हेलो दोस्तों, बैक टू अ चैनल। आज मैं शायद आपको एंटरटेन करने से ज़्यादा कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। पहले तो आज से ठीक 4 महीने पहले इंडिया में एक व्हीलचेयर बास्केटबॉल का इंटरनेशनल टूर्नामेंट हुआ था। आप में से कितने लोगों ने उसे टीवी, न्यूज़पेपर या फिर सोशल मीडिया में देखा? आपको पता है किसी को कि वहाँ इंडिया टीम जीती या हारी? उसमें से जो खेलने वाले प्लेयर है वो किस एरिया की थी या उनका नाम क्या था? हमारे देश की 120 करोड़ की आबादी है, जिसमें से सिर्फ 500 लोग वहां इंडिया टीम को चेयर करने आए थे। क्यों? या शायद आप सबको ये लगता है कि जितनी मेहनत एक नॉर्मल स्पोर्ट्स पर्सन, जितना वो स्ट्रगल, मेहनत, सेक्रीफाइसेस इंडिया टीम की जर्सी के लिए करता है, उतना एक पैरा स्पोर्ट्स पर्सन नहीं करता। ना पूछा, ना बताया, ना देखा, बस घर बैठे डिसाइड कर लिया। लेकिन शायद आज मैं आप सबका वो माइंडसेट बदल सकता हूँ कि एक पैरा स्पोर्ट्स पर्सन कितनी मेहनत करता है। बस आप आखिर तक इस वीडियो के साथ बने रहें। कहानी हमारे स्ट्रगल की, मेहनत की, तो बिना ही हमारे कोच के स्टार्ट नहीं हो सकते। सैक्रिफाइसेस भी है। कोच जैसे द्रोणाचार्य के बिना अर्जुन का कोई अस्तित्व नहीं होता, वैसे ही हमारी इस टीम का हमारे कोच के बिना कोई अस्तित्व नहीं होता। शरद नाग ने, एक्स आर्मी मैन, पिछले 10 साल से महाराष्ट्र स्टेट टीम के कोच, पिछले 5 साल से इंडिया टीम के कोच। ये कैंप स्टार्ट होने से ठीक 1 हफ्ता पहले वो आईसीयू में थे। डॉक्टर ने कहा था कि कम से कम 2 महीने का बेड रेस्ट लेना है, और उन्होंने डॉक्टर से कहा कि नहीं, मेरी टीम को मेरी जरूरत है। और आज वो हमारे सामने, जिसे बेड रेस्ट लेना था, वो दिन में 8 घंटे प्रैक्टिस करवा रहे हैं। हम जितनी देर ग्राउंड में रहते उससे ज़्यादा देर वो ग्राउंड में, हमारे आने से 1 घंटा पहले आते और हमारे जाने के 1 घंटा बाद जाते। कि हमारी फेडरेशन आज भी स्ट्रगल कर रही है फंड्स के लिए। हम इंडिया टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ रहते, हमारे प्लेयर्स जो दिन में 8 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रॉपर डाइट नहीं है, प्रॉपर फिजियो नहीं है, प्रॉपर मेडिसिन नहीं है, तो इसकी वजह से प्लेयर्स की तबीयत खराब होती है। मिल सकते हो आप इससे? बसु, तबीयत कैसी अब? थोड़ा ठीक है। थोड़ा ठीक है? हाँ। दवाई लिया? हाँ। इलेक्ट्रोड पिया? हाँ पिया। अभी कैसा लग रहा? हाँ, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा? हाँ। क्या हुआ था? थोड़ा बुखार आया था, थोड़ा सर्दी हुआ था, अभी ठीक लग रहा है। कैसे, क्या हो गया था? थोड़ा मौसम डिफरेंट हो गया ना, कर्नाटक से आया है, थोड़ा एडजस्टमेंट नहीं हुआ, इसकी वजह से थोड़ा हुआ था, अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है? हाँ। चल तू रेस्ट कर, अभी देखो डिस्टर्ब नहीं करते हैं। ओके, थैंक यू। देखा आपने, ये हर 2 दिन में किसी न किसी प्लेयर की तबीयत खराब हो रही है। हमारे प्लेयर्स का स्ट्रगल आप मिल सकते हो उनसे। ये है कार्की सर। तो मेरा नाम सुरेश कुमार कार्की, मैं अभी पैराप्लेजिक रिहैब सेंटर में रहता हूँ, जो कि पुणे खड़की में है, और मैं इंडियन आर्मी 29 गोरखा राइफल्स से हूँ। और मेरा जो इंजरी हुआ था 7 जुलाई 2004 को, उस टाइम मेरी जो हालत थी बहुत ही एकदम कंडीशन ख़राब थी, जाकि मैं व्हीलचेयर में बैठ नहीं पाता था, बिस्तरा पे सोना होता था, बिस्तरा में मतलब बबल ब्लाडर ये होता था मेरा, क्या बोलते, कम से कम 1.5 साल तक तो मैं अच्छी तरह बोल नहीं सकता था, खा नहीं सकता था। और मेरी जो इंजरी लेवल है 5 to 8 है, यहाँ से मेरा अभी ऑपरेशन किया हुआ है, और 5 to 8 ग्राफ्टिंग किया है, रॉड है, तो कंडीशन बहुत मुश्किल थी। और मुझे ऐसे नहीं लग रहा था कि मैं शायद 20 साल तक 22 साल तक जीऊँगा, शायद 6 महीना ही मेरा लाइफ रहेगा। एक्चुअली में जो मेरा इंजरी लेवल काफ़ी हाई थी, तो मुझे पहले भी मेरे फ्रेंड लोग ही बोलते थे कि मतलब
इसको ऐसे ही मतलब होता ना कि जैसे मैं व्हीलचेयर पे अच्छी तरह बैठ नहीं पाता था, दूसरे के सहारा लेके बैठना होता था, तो मुझे नेशनल तो क्या वो जो स्टेट होता था स्टेट खेलने के लिए भी मुझे तरसना पड़ता था। तो लेकिन जब मेरे जो फ्रेंड लोग थे, मेरे जो सीनियर लोग थे, उन्होंने बोलते थे कि ऐसे मजाक मस्ती में अरे इसको इंटरनेशनल भेजो, क्योंकि गेम के लिए मुझे एकदम एक होता ना एक हुनर था, एक जिद्दीपन था, एक जज्बात था मुझे खेलना। और मैं बचपन से स्पोर्ट्स लवर था और आर्मी में जो मुझे डिसिप्लिन सिखाया था कि हम लोग कभी भी हार नहीं मानेंगे। 2014 से जो WBFI ने नेशनल शुरुआत किया, फिर वहाँ से फिर हम लोग नेशनल चैंपियन बनना शुरू किया, फिर नेशनल से फिर इंटरनेशनल खेला, फिर इंटरनेशनल खेलने खेलते खेलते फिर मेरी क्या हो गया, एक एक्सपीरियंस बढ़ गई, फिर एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया कि हाँ मैं मतलब इतना कंडीशन बुरा होने के बावजूद भी मैं कुछ कर सकता हूँ। कितने देखा ये आर्मी वालों की रियलिटी थी, वो भी कितनी स्ट्रगल से यहाँ तक पहुँचे हैं। आप आर्मी से क्यों सिविलियन से मिल सकते हो यहाँ पर, जो कि बचपन से पोलियो हुआ था, ये कोटेश्वर इससे मिले आप। मेरे नाम कोटेश्वर है, मैं फ्रॉम तेलंगाना। मेरा मामा मेरा पापा तो फार्मर है। मेरा फादर को 2019 में ब्रेन ट्यूमर हुआ था। अभी वो उनका राइट हैंड राइट लेग काम नहीं करता है, घर पे रहता। मम्मी भी घर पे रहता है, अभी वो काम अभी नहीं कर रहा है। मैं हर बार ये बास्केटबॉल खेलता हूँ, कैसा मेरे हर महीने हमारा स्टेट से 3000 पिंशन मिलता है, उनसे मेरा प्रैक्टिस चलता है। हर महीने मेरे प्रैक्टिस चलता है वो पैसा से, फिर मैं थोड़ा बचा के भी अब ये वो डिफिकल्ट उससे मैं कैंप को अटेंड हुआ हूँ। मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ, मैं ओनली बास्केटबॉल खेल रहा हूँ। आपको लगता है ये आसानी से यहाँ पहुँच गया, इसलिए कोई सेक्रीफाइस नहीं किया, फिर से एक बार बसप्पा से मिले। हाय, मेरा नाम बसप्पा सरदोड़ी, मैं कर्नाटक से हूँ। अभी मैं इंडिया टीम सेलेक्ट कैंप के लिए मैं इधर आया था। बहुत अच्छा लग रहा है इधर आके, मेरा टीम इंडिया टीम पहला बार मैं सिलेक्शन हो के बहुत खुश हो रहा है मेरे को। मेरे में बारे में बताना है तो मैं 2 साल का बच्चा था तब मेरा पोलियो अफेक्टेड होके मेरा पैर का लेफ्ट पैर का स्ट्रेंथ कमी हो गया। इसकी वजह से मैंने बहुत स्ट्रगल करना पड़ा स्कूल को जाने के लिए नहीं हो पाता था, इसलिए मेरे को एक हमारा बाप और माँ ने बहुत स्ट्रगल किया मेरे पढ़ाने के लिए, मैं कुछ ज़िंदगी में कुछ करने के लिए वो बहुत स्ट्रगल किया, क्योंकि मतलब वो डरते थे किधर मेरे को भेजने के लिए, तुम किधर अकेले जाना है, तो वो बहुत बार सोचते थे। लेकिन बाद में मैंने खुद घूमने लगा, बाद में मेरा पढ़ाई MA तक हो गया, MA इन इकोनॉमिक्स मैंने कंप्लीट किया है। इसके साथ में 2015 में पहला बार मैंने बास्केटबॉल स्टार्ट किया मेरे लाइफ में, ये बहुत बढ़िया चेंजेस हो गया जब मैंने बास्केटबॉल ज्वाइन होने के बाद में। जब से 2016 से अभी तक मैंने हर साल मैं इंडिया टीम सिलेक्शन के कैंप के लिए मैं आता था, लेकिन मैं सिलेक्शन नहीं हो पाता था। लेकिन इस बार मैंने इंडिया टीम पे मेरा नाम आ गया, मैं इंडिया टीम रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मेरे को तो बहुत मतलब बहुत खुशी हो रहा है। ये खुशी मेरे को वर्ड्स में बोलने को नहीं हो पाता है। इसके साथ में मैंने जब बास्केटबॉल स्टार्ट करने के बाद में हमारा डिस्ट्रिक्ट मतलब कर्नाटक का बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में मैंने एक खुद एक टीम स्टार्ट किया, व्हीलचेयर बास्केटबॉल का टीम स्टार्ट करके उधर ही हमने एक 15-20 बास्केटबॉल प्लेयर्स है उनके साथ में मैं भी खेलता हूँ, उनको मेरे को इधर कैंप में क्या सीखता हूँ ना मैंने वो उनको जाके उनको सिखा के वो भी उधर में अभी 4-5 इंटरनेशनल प्लेयर्स बन गया उसमें से लड़कियाँ में, वो तो बहुत खुशी है। इसके साथ में हम सारे बेलगाम डिस्ट्रिक्ट का प्लेयर्स सारे मिल के एक विश्वास फाउंडेशन फॉर द फिजिकली चैलेंज एक NGO ओपन किया, उसके पास से हम क्या कर उसके तरफ से हम क्या करते मतलब वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रमोट करते और स्पाडा स्पोर्ट्स है ना, व्हीलचेयर बास्केटबॉल है, स्विमिंग है और पैराडा टेबल टेनिस, व्हीलचेयर क्रिकेट, एथलेटिक्स सारे स्पोर्ट्स हम उधर प्रमोट कर रहे हैं। मेरे को तो अभी एक सपना था मेरे को व्हीलचेयर बास्केटबॉल में इंडिया रिप्रेजेंट करने का, अभी वो मौका मिल गया, मेरे को बहुत खुश हो गया। सभी को धन्यवाद। चाहिए मेहनत नहीं करना, आपने देखा किस तरीके से इसने छोटी सी चिंगारी को बड़ी सी आग बना दिया है, किस तरीके से ये पर्सनल डिसेबिलिटी के लिए इतना काम कर रहा है, ये मोटिवेशन नहीं है। और कहने को अभी भी मोस्ट ऑफ के पास
ना कोई इनकम सोर्स है ना कुछ है, फिर भी वो यहाँ तक इंडिया टीम की इस जर्सी के लिए, एक इंडिया टैग लगाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। ये हमारे टीम के सबसे सीनियर प्लेयर प्रेम सिंह पटवाल सर, आज इनकी उम्र है ऑलमोस्ट 55-56 साल की, 56-55 ईयर्स, और वो टीम की प्लेयर्स का यहाँ पर साथ में कैप में सेलेक्ट होता है रेन के लिए बनने के लिए, लेकिन आज वो जा रहे हैं तो भाई खुशी देखिए प्लेयर की, हम उन्हें सेंड ऑफ कर रहे हैं क्योंकि शायद उनका लास्ट चांस था। ये सारी कहानियाँ अभी हमारी आप सबके सामने हैं, अभी आपको डिसाइड करना है कि हमारे मैच देखने के लिए आना, हमारी इतनी मेहनत वर्थ इट है क्या नहीं जो आप हमारे मैचेस देखने के लिए आ सके, कि कॉर्नर पर बैठ के एक बार जोर से चीज सभी इंडिया 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 इंडिया